हेलो एवरीवन, तो मैं आपका एग्ज़ाम बूस्टर रिवीजन कैटलाइजर आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर केमिस्ट्री का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का कंप्लीट रिवीजन लेके आए हैं। आप लोग को इस चैप्टर में मात्र तीन ही टॉपिक पढ़ना है। इस तीनों टॉपिक का तो हम एक्सप्लेन करेंगे ही करेंगे, रिवीजन आपका करवाएंगे ही करवाएंगे, और इसके साथ ही साथ जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं आपके लिए, जो इससे रिलेटेड जो पॉसिबल क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, उसका भी प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग इस चैप्टर के बारे में। ध्यान से समझिए, सबसे पहले देखिए पहला टॉपिक जो पढ़ना है वो क्या है, कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड। तो इसमें होता क्या है, देखिए कार्बन जो भी है उस और उसका कंपाउंड जो भी है वो कहलाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मेनली प्रेजेंट हो और प्लांट्स और एनिमल से वो तैयार हो, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में ही पढ़ते हैं, लेकिन आपका जो सिलेबस रिमूव हुआ उसके वजह से तीन ही टॉपिक हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को एक आइडिया दे देते हैं कंपाउंड क्या होता है। व्हाट इज कंपाउंड, कंपाउंड क्या होता है, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं फिक्स रेशियो में तो उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पर H2O, देखिए यहाँ पर रेशियो कितना है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, बताइए हाइड्रोजन टू पार्ट्स है ऑक्सीजन वन पार्ट्स है, तो ये क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कि आप लोग सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला जान रहे हैं H2SO4, यहाँ भी देख लीजिए कितना पार्ट्स में है, हाइड्रोजन टू पार्ट्स में है, सल्फर वन पार्ट्स में है, ऑक्सीजन फोर पार्ट्स में है, तो ये रेशियो फिक्स है, हमेशा फिक्स रहेगा, तो ये क्या है, कंपाउंड है। अब हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग क्या होता है, जनरली एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं ताकि वो स्टेबिलिटी को बढ़ा सके, अपने आप को स्टेबल कर सके। तो दो एलिमेंट के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ताकि वो स्टेबल बन सके, उसको हम लोग बॉन्डिंग बोलते हैं। ये बॉन्डिंग जो है बहुत तरह का हो सकता है, जैसे कि तीन मेनली तीन तरह का होता है, कौन कौन सा बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। लेकिन आपको सिर्फ पढ़ना क्या है, कोवेलेंट बॉन्डिंग, क्या पढ़ना है, कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होता है, अगर कोई भी एलिमेंट बॉन्डिंग करे बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, किससे, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग डिस्कस करते हैं H2। देखिए ये H2 क्या करता है, इसमें दो एटम है, तो आपको क्या करना है, एक H दिखाना है, यहाँ पर इसका H वाला वन इलेक्ट्रॉन और इस H का वन इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाना है, क्योंकि ये शेयर करने का बात हो रहा है। शेयर क्यों करेगा, ताकि स्टेबिलिटी हो सके। अब हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है उसके बाहर में वन इलेक्ट्रॉन, इसलिए वन डॉट दिए हम लोग, और ये चाहता है कि दो डॉट पूरा कर ले, दो इलेक्ट्रॉन पूरा कर ले, क्योंकि फर्स्ट हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो लिखते हैं वो KLMN के फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ 2 होता है, यहाँ 8 होता है, यहाँ 8 होता है, फिर 18 होता है, तो फर्स्ट सेल वाला कितना इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा, 2 पूरा करना चाहेगा। तो ये देखिए ये हाइड्रोजन इससे इलेक्ट्रॉन लेकर के पूरा कर दिया, फिर ये भी हाइड्रोजन इससे लेकर के पूरा कर दिया, अब इसके बीच में जो बचा है वो कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इस तरह से यहाँ जो बॉन्डिंग बना कैसा बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो आप लोग को ध्यान रखना है, जब एक इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है पर एटम के द्वारा तो सिंगल बॉन्ड बनता है, और इस समय इसके कोवेलेंसी अब पूछा जाएगा एग्जाम में आपके लिए कि हाइड्रोजन का कोवेलेंसी कितना होता है, तो बताइए कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो उसका कोवेलेंसी 1 होगा। याद रखना, जितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है एलिमेंट उसका, उससे हम लोग कोवेलेंसी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुआ तो उसको बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। अब और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल सेकंड लेते हैं मीथेन CH4। इसमें देखिए आपको क्या करना क्या होगा, सबसे पहले ये अब यहाँ देखिए, अभी तो यहाँ पर मेरे पास 2 एटम था तो दोनों एटम दिखा दिए बस हो गया, लेकिन यहाँ पर कितना एटम है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना है, 5। तो उस समय आपको बीच में यानी सेंटर में कोई एटम को फिक्स करना होगा, तो सेंटर में किसको फिक्स करें,
तो देखिए, जिसका नंबर कम हो, जिस एटम का संख्या कम हो, उसको आपको फिक्स करना है सेंटर में। तो यहाँ सीधे दिए। अब सराउंडिंग में कितना हाइड्रोजन लेना पड़ेगा? चार। तो 1, 2, 3, 4 ये जो स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं ये बॉन्डिंग को दर्शाता है। इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी हम लोग बोलते हैं। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है, तो बताइएगा ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी कंपाउंड का बाय इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन। कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन बाहर में होता है? 4, 1, 2, 3, 4। अब ये हाइड्रोजन को पहले 2 पूरा कर लीजिए इससे। ये देखिए 2 पूरा हो गया, ये भी हाइड्रोजन 2 पूरा हो गया, ये भी हाइड्रोजन का 2 पूरा हो गया, इस भी हाइड्रोजन का 2 पूरा हो गया। अब कार्बन क्या करता है? कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो कार्बन के पास कैपेसिटी है 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करने का, नहीं लॉस करने का भी नहीं, शेयर करने का। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन अलग अलग हाइड्रोजन एटम से ले करके शेयर करके यहाँ पर अपना कार्बन ऑक्टेट पूरा कर लेगा। क्योंकि कार्बन, देखिए कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग बात करें तो 2, 4 होगा। तो यहाँ कितना चाहिए इसके पास? सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। तो यहाँ इसको चाहिए 8। तो अब देखिए, कार्बन का ऑलरेडी 4 था, अब 4 शेयर किया तो कितना बन गया? 8 बन गया। तो इस तरह से हमको इसको दिखाना है, किस फॉर्म में इस तरह दिखाना है। सी, फिर सिंगल बॉन्ड दिखाइए, फिर सिंगल बॉन्ड दिखाइए, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। अब इस तरह से जो यहाँ बना, इसमें इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं मीथेन। जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं उसके बेसिस पर आपको नाम भी बता रहे हैं, वो नाम को आप याद रखिए। भले आपको आईबीसी नाम नहीं पढ़ना है, लेकिन ये आपके लिए ज़रूरी है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट और भी कंपाउंड को डिस्कस करते हैं, जिससे आपका बॉन्डिंग जो है क्लियर हो जाए। यहाँ तो आपको बताया गया है कि कार्बन कंपाउंड्स को लेकर के डिस्कस कीजिए। देखिए, दूसरा जो थर्ड जो कंपाउंड लेते हैं हम, मान लीजिए हम लिए C2H6। क्या लिए? C2H6 लिए। तो यहाँ पर आपको देखिए, कार्बन कम अमाउंट में है तो कार्बन 2 रखिए, फिर हाइड्रोजन 6 है, तो हाइड्रोजन 6 है, एक कार्बन, मतलब एक कार्बन के लिए कितना हो जाएगा हाइड्रोजन? 3 हो जाएगा। क्यों? 2 कार्बन मिलकर के 6 हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, तो 1 कार्बन के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए? 3। तो 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास रखिए, फिर 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास रखिए। अब क्या करना है आपको? इलेक्ट्रॉन दिखाना है। 1, 2, 3, 4 यहाँ भी 1, 2, 3, 4 यहाँ भी 1, 1, 1, 1, 1, 1। अब पहले हाइड्रोजन को क्लियर कीजिए। हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, यहाँ भी हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, यहाँ भी 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 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। अब इस बेसिस पर यहाँ पर आप कार्बन को क्लियर कर लेते हैं। तो कार्बन देखिए, कार्बन के पास कितना है? पहले से 4 है, तो एक इससे लेगा, एक इससे लेगा, एक इससे लेगा और एक इस कार्बन से लेगा। तो इस तरह से यहाँ पर घेर करके सर्कल बना करके इसको कंप्लीट करवाइए, तो इस तरह से ये कंप्लीट कर लेगा। फिर यहाँ पर भी इस कार्बन के लिए इसी सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए क्लियर करना है। तो यहाँ से हम लोग का स्ट्रक्चर बनेगा H सिंगल बॉन्ड CH, ये जो कंपाउंड बना उसको हम लोग बोलते हैं इथेन। एक बात आपको क्लियरली याद रखना है कि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना सकता है। इसके आधार पर इसका कोवेलेंसी कितना होगा आप खुद बताइए। कोवेलेंसी कितना बॉन्ड बना सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है? तो 4 शेयर कर सकता है, इसलिए इसका कोवेलेंसी कितना होगा? 4 होगा, आप लोगों को याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर बात करते हैं हम लोग। तो स्ट्रक्चर 4 यहाँ पर देखते हैं। स्ट्रक्चर 4 मेरा क्या है? मान लीजिए यहाँ पर दिया रहे C2H4। तो C2H4 में कार्बन 2 है, कार्बन 2 ले लेते हैं, 1, 2। हाइड्रोजन 4 है, तो एक कार्बन के लिए 2 हाइड्रोजन देना पड़ेगा, 1, 2, 1, 2। चलिए इसको नीचे ही दिखाते हैं। अब हाइड्रोजन के पास 1, 1, 1, 1, कार्बन के पास कितना? 4। तो एक इसके सामने दिखाइए, एक इसके सामने दिखाइए, 2 यहाँ दिखाइए, यहाँ भी 2 दिखाइए, यहाँ एक सामने, एक सामने। हाइड्रोजन का पहले पूरा, पहले हाइड्रोजन का पूरा करना है, क्या चीज़? इसका इलेक्ट्रॉन। फिर कार्बन का पूरा करना है, तो ये देखिए कार्बन क्या करेगा, ये 2 कार्ब इलेक्ट्रॉन उससे भी लेगा और एकक लेगा इस सबसे लेगा। यहाँ पर वही सेम काम, एकक फिर 2 फिर 1, और इस तरह से यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा हम लोग का इस पैटर्न पर। यहाँ देखिए बीच में कितना इलेक्ट्रॉन आया? 4, और 4 इलेक्ट्रॉन से बनता है डबल बॉन्ड। सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन से बनता है सिंगल बॉन्ड।
और इस प्रकार से यहाँ पर ए मॉलिक्यूल बनेगा जिसका नाम होता है इथीन। क्या नाम होता है? इथीन। अब यहाँ पर हम लोग दो स्ट्रक्चर को देखे हैं, अब नेक्स्ट हम लोग स्ट्रक्चर का बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर का हम लोग बात करते हैं, वो क्या लेते हैं, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट आपका चलेगा फिफ्थ, C2H2। क्या चलेगा? C2H2। तो यहाँ पर देखिए कितना कार्बन है, दो कार्बन है। कितना हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन है। तो इस दो हाइड्रोजन नहीं, सिंगल सिंगल हाइड्रोजन हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि एक कार्बन के लिए सिर्फ एक ही हाइड्रोजन रहेगा। अब इलेक्ट्रॉन दिखाइए, इसका एक, इसका एक, कार्बन का एक, इसका तीन, यहाँ तीन दिखाना है, यहाँ एक दिखाना है। तो इससे क्या होगा? सिंगल शेयर हुआ, ये भी क्या हुआ? सिंगल शेयर हुआ। अब इस कार्बन का देखिए, तीन यहाँ से लीजिए, एक यहाँ से लीजिए, इस कार्बन का भी एक यहाँ से लीजिए, तीन यहाँ से लीजिए। तो इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा, एच सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड एच। तो बताइए यहाँ पर इस बॉन्ड को क्या नाम देंगे हम लोग? ट्रिपल। कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए कार्बन स्मॉल साइज का होता है, जिसके वजह से ही ये सिंगल डबल ट्रिपल सब बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि स्मॉल साइज के वाला मॉलिक्यूल जो बॉन्ड बनाता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाता है। उसको तोड़ने में बहुत मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल है। अब यहाँ पर हम लोग डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर कार्बन के बारे में देखें, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में और भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग को दिया गया है, वो क्या क्या है? S6 है, S8 है, CO2 है, फिर है HCN है, H2SO4 है, फिर N2 है, फिर O2 है। ये सब का स्ट्रक्चर हम लोग को पास दिया है। साइक्लोपेंटेन का भी, C5, H10 का भी दिया हुआ है। साइक्लोपेंटेन नाम दिया हुआ है इसका, साइक्लोपेंटेन, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर अगर बात करेंगे तो कार्बन के, देखिए हम इसका स्ट्रक्चर बता देते हैं, बाकी ये सब का आपको प्रैक्टिस करना है। ये सब क्या करना है? आपको प्रैक्टिस कर लेना है। भले आपका टॉपिक में बोला गया है कार्बन कंपाउंड्स, लेकिन एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए ये सब का भी आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो कार्बन 5 है, देखिए तो 1 साइक्लिक स्ट्रक्चर में आता है ये। तो साइक्लिक में क्या, पहले रिंग बनाइए इसको, 1 2, फिर 3, फिर 4, और यहाँ ऊपर ले जाइए 5, फिर इसे मिलाइए। अभी देखिए सिंगल बॉन्ड कार्बन के पास कितना बॉन्ड हुआ? 2 बॉन्ड हुआ। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बना सकता है। तो इस बेसिस पर 2 हाइड्रोजन इस तरह दिखा दीजिए, इसमें यहाँ भी दिखाइए 2 हाइड्रोजन इस तरह दिखा दीजिए, ये भी 2 हाइड्रोजन इस तरह दिखा दीजिए, ये भी 2 हाइड्रोजन इस तरह दिखा दीजिए। तो इस वजह से ये क्या बनाया? साइक्लोपेंटेन बनाया। इस तरह का स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? साइक्लोपेंटेन। अब ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम लोग मूव करते हैं इस टॉपिक पर। उस टॉपिक का नाम क्या है? वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। क्या नाम है? वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो वर्सेटाइल का मतलब क्या है? वर्सेटाइल का मतलब है कार्बन जो है वो किस तरह से लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। वर्सेटाइल है मतलब बहुत ज़्यादा यूजफुल है, वो बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है कार्बन का। क्यों? देखिए कार्बन का वर्सेटाइल नेचर को बारे में अगर एग्ज़ाम में लिखने आता है तो आप लोगों को लिखना है, क्या लिखना है कि कार्बन के पास ऐसा निम्नलिखित प्रॉपर्टीज होता है, यानी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होता है जिसके वजह से वो वर्सेटाइल नेचर शो करता है। सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज आपको डिस्कस करना है इसमें वर्सेटाइल नेचर में, वो डिस्कस करना है क्या चीज़? स्मॉल साइज। तो इसमें देखिए कार्बन का जो साइज है वो छोटा है, और स्मॉल साइज के वजह से जो ये बॉन्ड बनाता है, जो सिंगल बॉन्ड बनाया, डबल बनाया, ट्रिपल बॉन्ड बनाया, वो बॉन्ड क्या है? बहुत ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड है। तो इस वजह से ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स भी बना सकता है। तो यहाँ लिखना है इसमें ड्यू टू अ स्मॉल साइज द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कार्बन, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कार्बन इज स्टेबल एंड इट कैन फॉर्म सिंगल
डबल और क्या लगाएंगे, एंड लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ये लिखना है आपको। इसके बाद आपको डिस्कस करना है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज का। इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, इसका आप फिगर बना दीजिए, कार्बन सिंगल बॉन्ड सिंगल, फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। लेकिन आपको ध्यान रखना है कार्बन मैक्सिमम चार बॉन्ड बना सकता है, तो यहाँ सिंगल दिए तो यहाँ पर आपको तीन बॉन्ड और बना के छोड़ देना है, यहाँ देखिए डबल दिए तो आपको दो बॉन्ड और बना के छोड़ देना है, यहाँ ट्रिपल दिए तो आपको सिंगल सिंगल बना के छोड़ देना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज का नाम है इसका टेट्रा कोवेलेंसी। क्या नाम है? टेट्रा कोवेलेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को समझना है, क्या समझना है, कार्बन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? फोर होता है। तो यहाँ लिखना है सिंस कार्बन हैज फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन है? फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब जो फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या कर सकता है, अगर मान लीजिए अगर ये चारों इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, इफ इट लॉसेस फोर इलेक्ट्रॉन्स देन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, तब इसको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अब लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी तो देना तो नहीं चाहिए, देना तो जरूरत भी नहीं है क्योंकि नहीं दे पाएंगे हम लोग, उतना पॉसिबल भी नहीं है। इस तरह से सी जो फोर इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा वो पॉसिबल नहीं है। इफ इट लॉसेस फोर इलेक्ट्रॉन देन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, जिसके वजह से क्या होता है, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चार इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा, चार इलेक्ट्रॉन गेन तो कर सकता है। तो अगर यहाँ इसके बारे में लिख देते हैं, इफ इट गेन, क्या करें, गेन फोर इलेक्ट्रॉन का है टू कंप्लीट ऑक्टेट, उसको तो करना क्या है, ऑक्टेट को कंप्लीट करना है, बाहर में तो आठ इलेक्ट्रॉन पूरा करना है, टू कंप्लीट ऑक्टेट देन इट इज इम्पॉसिबल, तो क्या है, इट इज इम्पॉसिबल टू होल्ड एट इलेक्ट्रॉन बाई फोर प्रोटोन, अंदर में कितना प्रोटोन है, चार ही प्रोटोन है, तो आठ इलेक्ट्रॉन को हेल्ड करना क्या है, पॉसिबल नहीं है, इसके वजह से ये सी फोर माइनस आयन नहीं बना सकता है। क्या बना कर सकता है, सी फोर माइनस आयन नहीं बना सकता है। तो इस तरह से ये क्या करेगा, hence it can, ये क्या कर सकता है, it can share four electron to form covalent bond, therefore its valence, it is, इस वजह से ये क्या है, therefore it is tetracovalency, इसलिए ये क्या है, tetracovalency show करता है। बस ये सब आप लोग को अच्छा से लिखना है। ये तो हो गया दो प्रॉपर्टीज का, अब यहाँ पर हम लोग थर्ड प्रॉपर्टीज को भी देख लेते हैं, और जो कि इम्पोर्टेंट है वो है कैटेनेशन। क्या है? कैटेनेशन, ठीक है। और कैटेनेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट ड्यू टू विच, जिसके वजह से ये क्या करें, ड्यू टू विच इट कैन फॉर्म, ये क्या कर सकता है, इट कैन फॉर्म स्ट्रेट चेन साइक्लिक चेन और ब्रांच्ड चेन, क्या कर सकता है, ब्रांच चेन बाई कंबाइनिंग इट्सेल्फ, क्या लिखते हैं, इट्सेल्फ इज कॉल्ड, इसी को हम लोग बोलते हैं
कैटिनेशन, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कैटिनेशन, ठीक है। अब कार्बन के पास जो कैटिनेशन प्रॉपर्टीज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेट चेन, साइक्लिक चेन, ब्रांच चेन बना सकता है। तो यहाँ एक लाइन लिख देना होगा, कार्बन हैज मोर कैटिनेशन प्रॉपर्टीज, कार्बन के पास, कार्बन हैज मोर कैटिनेशन प्रॉपर्टीज देन अदर एलिमेंट। जितने भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है ना, उससे भी ज़्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टीज होता है किसका, कार्बन का, देन अदर एलिमेंट्स। तो ये सब बात को आपको याद रखना है, आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट करके रखिए इसको, आप रेगुलर इसको रिवाइज कीजिए। अभी भी इसमें देखिए हम लोग को और कुछ भी ड्रॉ करना है, वो क्या ड्रॉ करना है यहाँ पर आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रेट चेन क्या होता है, देखिए कार्बन जो है दूसरे कार्बन से कंबाइन होकर के इस तरह का चेन जो बना रहा है उसको हम लोग स्ट्रेट चेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रेट चेन। अब यहाँ पर बात होता है कि साइक्लिक चेन क्या होता है, तो साइक्लिक चेन देखिए कार्बन 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 कार्बन, ये किस फॉर्म में बना रहा है, देखिए ये जो पूरा बंद फिगर के रूप में बनाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक चेन बोलते हैं। अब ब्रांच चेन क्या होता है, तो देखिए कार्बन कार्बन कार्बन, ये जो आपका स्ट्रेट चेन है, मगर यहाँ पर भी कार्बन अगर ज्वाइंट होना चालू हो जाए, इस तरह से कार्बन कार्बन ज्वाइंट होना चालू हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच्ड चेन बोलते हैं। तो ये सब कैपेसिटी किसके पास है, कार्बन, इसी की वजह से ये किस नेचर का होता है, वर्सेटाइल नेचर का होता है। तो इस तरह से आपका ये भी टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया। अब है होमोलोगस सीरीज, क्या है, होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज क्या होता है, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, ये डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं हम आपके लिए तैयार करेंगे और बताएंगे आपको इसी वीडियो में। तो यहाँ पर आशा करते हैं आप दोनों टॉपिक अच्छा से समझ गए होंगे। अब थर्ड टॉपिक जो कि नाम है होमोलोगस सीरीज, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसको इरेज कर लेते हैं। टॉपिक का नाम क्या है मेरे साथ बोलिए, होमोलोगस सीरीज। देखिए होमोलोगस सीरीज क्या है, इसको इस तरह समझिए, आपका फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं सब में क्या चीज़ कॉमन है, डीएनए कॉमन है, सब में एक ही डीएनए है। तो देखिए हर एक मेंबर में क्या कॉमन है, डीएनए कॉमन है। तो उसी तरह से जिसका डीएनए सेम होता है वो सारा मेंबर मिलकर क्या बनाता है, फैमिली बनाता है। ठीक उसी प्रकार से कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं उन कंपाउंड्स में से जिस भी कंपाउंड्स सेम फैमिली से बिलोंग करेगा उस फैमिली को में जितने भी एलिमेंट्स एक सीरीज बनाएंगे वो सीरीज कहलाएंगे होमोलोगस सीरीज। ये आपको समझाने के लिए हम ऐसा डेफिनेशन दिए, लेकिन इसका एक्चुअल डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे देखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्चुअल डेफिनेशन, द सीरीज ऑफ कंपाउंड्स, द सीरीज ऑफ कंपाउंड्स, मतलब कि कंपाउंड्स का सीरीज, इन विच, जिसमें क्या हो, सक्सेसिव मेंबर जो है, सक्सेसिव मेंबर क्या होता है, लगातार मेंबर, जैसे आपका सबसे पहला आपका फादर का जो सबसे फर्स्ट सन होगा या डॉक्टर होगा वो, उसके बाद उसके बाद उसके बाद सिस्टमेटिक वाइज जो बढ़ते जा रहा है या घटते जा रहा है वो सबको क्या बोलेंगे, सक्सेसिव, लगातार। इन विच सक्सेसिव मेंबर्स आर डिफर बाई, आपको ध्यान समझना है, जितना भी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं वो आपको ध्यान रखना है, डिफर बाई सी एच टू ग्रुप, कितना से डिफर हो, सी एच टू ग्रुप से डिफर हो। फिर सी एच टू ग्रुप जब होता है तो उसी के लिए हम लोग लिखते हैं, देखिए कार्बन का मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1 तो 2 है, तो 2 इंटू 1 2 होगा, तो यानी कि 14 ग्राम, क्या होगा 14 ग्राम। फिर इसके बाद कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए
वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब आपके दिमाग में तुरंत आया कि सर आप फंक्शन ग्रुप तो बते भी नहीं किए हैं, कहाँ से लिख दे रहे हैं, टेंशन नहीं लो, फंक्शन ग्रुप भी बताएंगे। तो कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप एंड हैव सेम जनरल फॉर्मूला, क्या हो, सेम जनरल फॉर्मूला हो, ठीक है। एक और प्रॉपर्टीज हम लोग को लिख लेना है, क्या लिखना है, एक और प्रॉपर्टीज लिख लेना है, सेम जनरल फॉर्मूला हो एंड पोजेज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या पोजेज करेगा, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज पोजेज करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर कोल्ड होमोलोगस सीरीज, क्या बोलेंगे उसको, होमोलोगस सीरीज बोलेंगे, ठीक है। अब इसका हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आप एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं अल्केन, एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं सेकंड एग्जांपल अल्कीन, जो कि आपको एग्जाम में इसी तरह से लिखना भी है। थर्ड अल्काइन, देखिए अल्केन में कुछ मेंबर का लिस्ट बना रहे हैं, वो मेंबर का लिस्ट क्या क्या है वो ध्यान से समझना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मीथेन, क्या लिखे हम, मीथेन, इसका जो अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, जहाँ पर n क्या है, वो कार्बन का संख्या है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, यहाँ पर n का वैल्यू क्या लिए, 1, तो C1H2 × 1+2 4 हो जाएगा। फिर क्या है ईथेन, इसमें देखिए C2H6 होगा। फिर क्या है प्रोपेन, प्रोपेन में क्या होगा C3H8 होगा। फिर क्या होगा ब्यूटेन, C4H10 होगा। इसी तरह से आप कुछ और एग्जांपल दे सकते हैं, मगर इतना ही काफ़ी है आप लोग के लिए लिखने के लिए बोर्ड में, ठीक है। अल्किन में क्या है, कुछ एग्जांपल हम लोग लेते हैं, तो फर्स्ट मेंबर जो अल्किन का लेते हैं हम लोग इथिन लेते हैं, जनरली मीथेन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इथिन में क्या होता है, डबल बॉन्ड बनता है, क्या बनता है, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच, जो कि सिंगल मीथेन के इस केस में पॉसिबल नहीं है। अल्किन का जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है CnH2n, क्या होता है CnH2n। तो इथिन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा C2H4। फिर देखिए इथिन के बाद क्या है प्रोपीन, प्रोपीन, प्रोपीन का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा C3H6। प्रोपीन के बाद क्या है ब्यूटीन, आप लोग देख सकते हैं इन 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 एन 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 लगा हुआ है, इसमें क्या होगा कार्बन लीजिए 4, तो इसका डबल कर दीजिए C4H8। ब्यूटीन के बाद आप ले सकते हैं पेंटीन, क्या ले सकते हैं पेंटीन, इसका होगा C5H10। इसी तरह से अल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। यहाँ पर हम लोग अगर बात करें तो अल्काइन में क्या क्या आएगा, इथाइन आएगा, ठीक है। इथाइन का जनरल फॉर्मूला हम लोग अगर देखें तो क्या लिख सकते हैं इथाइन का जनरल फॉर्मूला, इथाइन का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, तो C2H2। फिर प्रोपाइन आएगा, प्रोपाइन का होगा C3H6, 6 भी नहीं होगा, क्या होगा 4 होगा, ठीक है, प्रोपाइन हो गया। फिर ब्यूटाइन, ब्यूटाइन में C4 है, इसका डबल कीजिए 8 होगा, 2 कम कर दीजिए 6 होगा। फिर एक और लिख देते हैं पेंटाइन, पेंटाइन में कार्बन 5 होगा, हाइड्रोजन कर दीजिए 8। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं सबको हम मैच कर दे रहे हैं, क्या CH2 का डिफरेंस बोला गया है डिफिनेशन में, देखिए कार्बन यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, तो घटाइए 2 में से 1, एक कार्बन आया, हाइड्रोजन 6 और 4, 6 में 4 घटाइए 2 हाइड्रोजन आया, यहाँ भी आप मैच कर सकते हैं, 3 में से 2 घटाइए 1 आएगा, 8 में 6 घटाइए 2 आएगा, देन कितना का डिफरेंस हो रहा है CH2 का, चलिए इसमें भी मैच कर लीजिए, यहाँ देखिए 5 में से 4 घटाइए 1 आया, 10 में से 8 घटाइए 2 आया, तो यहाँ भी CH2 का डिफरेंस होगा। आप यहाँ कहीं भी मैच कर सकते हैं, सब में क्या होगा CH2 का डिफरेंस होगा। अब जब CH2 का डिफरेंस होगा तो क्या होगा 14 ग्राम मास का भी डिफरेंस होगा। फिर सेम फंक्शनल ग्रुप, अब यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या है,
तो जनरली फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ एटम है या सिंपली एटम है जिसके वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज चेंज होता है उस पर डिपेंड करता है। यानी कि कोई भी ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम जिसके वजह से कंपाउंड का प्रॉपर्टीज वेरी हो, डिपेंड करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जितने भी हम यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, वो सब क्या है, गैस फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन अगर उसी में हम लोग अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है, उसमें OH ग्रुप हम लोग कंसिडर करते हैं तो जोड़ देते हैं अगर, तो इसको बोलना पड़ेगा इथेनॉल। इसमें जोड़ते हैं अगर तो मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये सब में OH जुटा रहेगा, ठीक है। तो उसके वजह से उसके कंपाउंड का प्रॉपर्टीज यानी कि वो गैस, मतलब जो ये गैस है वो लिक्विड फॉर्म में वहाँ रहेगा, बहुत सारा प्रॉपर्टीज वहाँ बदल जाता है। तो जो ग्रुप है उसी को हम लोग बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रहा है। और इसका जनरल फॉर्मूला सेम है, देखिए सबका फॉर्मूला इस पर मैच हुआ ना, तो सबका जनरल फॉर्मूला सेम है। और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, लिक्विड है सारा मेंबर, लिक्विड है, केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब अगर मान लीजिए ये सब क्लोरीन से रिएक्शन करता है फर्स्ट कंपाउंड, तो बाकी सब कंपाउंड भी क्या करेगा, क्लोरीन से रिएक्शन करेगा। वाटर से रिएक्शन कर सकता है तो बाकी सब कंपाउंड वाटर से रिएक्शन करेगा, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है, लगभग सेम होता है। तो इस तरह से हम लोग हमने क्या किया, तीन टॉपिक डिस्कस किया, वो भी कंप्लीट डिस्कस किया, ठीक है। अब आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, वो हम आपको यहाँ पर डिस्कस करके देने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली देखिए और जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस है मेरे साथ बनाने का कोशिश कीजिए। यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखेंगे और उसको आपको बनाना है और उसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन भी करेंगे, उससे आपको मैच कर लेना है। चलिए देखिए, जो पॉसिबल क्वेश्चंस बन रहे हैं जितना हम पढ़ाए हैं उसके बेसिस पर ये क्वेश्चंस हम आपके सामने लिखे हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चंस जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो या तो जो भी सैंपल सेट प्रोवाइड किया जा रहा है आपको उस वाल के द्वारा, एडू कार्ड के द्वारा, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो इस चैप्टर से, वो भी उसका भी वीडियो हम अपलोड करेंगे। वो कंप्यूटर सिस्टम के अनुसार हम रिटेन वीडियो अपलोड करेंगे। तो सबसे पहला कंपाउंड क्या है, व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग, मेरे ख्याल से आप लोग इसको बना सकते हैं, घर में आप लोगों को इसको लिख के प्रैक्टिस करना है। फिर वाटर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, तो जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। इसको भी एक्सप्लेन करना है, कुछ एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कीजिएगा आप लोग, यहाँ एग्जांपल लिखना भूल गए हैं, मतलब एक्सप्लेन विथ एग्जांपल, यहाँ क्या होगा क्वेश्चन आगे, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जब सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, आपस में एलिमेंट शेयर करता है, तो जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसका भी एग्जांपल से एक्सप्लेन करना है। इसी तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो आप लोग जान ही रहे हैं क्या होता है, सिंगल में सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, डबल में डबल इलेक्ट्रॉन शेयर होता है ईच एटम के द्वारा, और ट्रिपल में ट्रिपल इलेक्ट्रॉन शेयर होता है ईच एटम के द्वारा। दो एलिमेंट अगर ट्रिपल इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। फिर डिफाइन कोवेलेंसी, कोवेलेंसी क्या है, एक एलिमेंट के द्वारा जितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया जा रहा है ताकि कोवेलेंट बॉन्ड बन सके उसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंसी। कार्बन का कोवेलेंसी कितना होता है, 4 होता है। फिर वाटर मोनोवेलेंट मॉलिक्यूल, अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ एलिमेंट के द्वारा और बॉन्ड बनाया, तो उस तरह का मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, मोनोवेलेंट मॉलिक्यूल। एग्जांपल के तौर पर आप लोग क्या दे सकते हैं, H2। इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, इसलिए क्या होगा एग्जाम्पल, H2 होगा। फिर है एक्सप्लेन, फिर इस तरह से होगा डाइवेलेंट मॉलिक्यूल, दो इलेक्ट्रॉन शेयर होना चाहिए। एग्जाम्पल में क्या दे सकते हैं, BeCl2, ये दो एग्जाम्पल, दो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है ये। तो इसी तरह से अगर और एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, O2 में भी क्या हो रहा है, दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। फिर इसी तरह से ट्रिपल, मतलब मोनोवेलेंट हो गया, डाइवेलेंट हो गया, ट्रिपल मतलब ट्राईवेलेंट मोलिक्यूल्स हो गया, मतलब कि तीन इलेक्ट्रॉन शेयर होगा वहाँ पर, ठीक है। फिर है वर्सटाइल नेचर, क्या है वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, जो कि हम यहाँ पर लॉन्ग वे में डिस्कस किए भी आपके साथ, उसके बारे में लिखना है। फिर होमोलोगस सीरीज, ये भी आप लोग को यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इस तरह से हम आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो का पूरा फायदा उठाया होगा, आपका कम्प्लीटली रिवीजन हो गया होगा,
अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो या जो भी सैम्पल सेट में क्वेश्चंस आपको नहीं बन रहा हो तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप नंबर क्या है यहाँ पर, व्हाट्सअप नंबर जो है 7209734291, ये व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पर आप डायरेक्टली क्वेश्चन भेज सकते हैं वहाँ पर, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस कर देंगे, ठीक है। अब जो आपका अगला वीडियो आने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोग बहुत कोई को ऐसा लगता है कि सर साइंस तो पढ़ ले रहे हैं, रिवाइज भी हो जा रहा है, मगर न्यूमेरिकल नहीं बन पा रहा है, न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं गलती हो जा रहा है। तो हम लोग कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करें, कैसे जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल उसको सॉल्व करें, गलती ना हो, उसको लेकर के भी हम एक वीडियो, अगला नेक्स्ट वीडियो आपको अपलोड, आपके लिए अपलोड करेंगे। उस वीडियो का आप कम्प्लीटली फ़ायदा उठाइए और चैनल को देखते रहिए अच्छा से।